हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल मैजिक ऑफ किसके एपिसोड नंबर 18 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सामने पास जो व्हेल है उसने अटैक कर दिया होता है और वो बोलता है आखिरकार ये किस तरीके की पावर है, और हमें दिखाया तो उसकी जो फॉक्स पावर है वो एक्टिवेट हो गई होती है और फैन और पीछे चिल्ला रहा होता है, सिस्टर थोड़ी देर के लिए संभाल के रखना, एक बार मैं इसको काबू में कर लूँ फिर मैं इसे देखता हूँ। हमें दिखाया जाता है जो ज़िया है उसकी पावर बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही होती है और एक बड़ा सा फॉक्स का डीमन का शेडो बन जाता है आग से। ये देखकर वो भी डर जाता है और बोलता है ये एक डीमन स्किल है, तुम तो सच में एक डीमन हो, तुम्हें तो ज़रूर मरना ही चाहिए, और बोलता है अब ऐसा है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं दिखाने वाला और आज मैं तुम्हें मार दूँगा। और अपनी वाइट इमॉर्टल गॉड स्किल का इस्तेमाल करता है और बोलता है इस गॉड की ताकत का मजा चखो तुम। तभी जो फैन आया था वो लू ऑफ वो से कहता है तुम्हें बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम अपनी लाइफ को मुझसे कनेक्ट कर दो, क्या तुम इस बात से एग्री हो, मतलब सहमत हो। तभी जो लू ऑफ वॉर वो उससे कहती है जो तुम्हारे सीनियर ज़िया मिंग है उन्होंने उनकी स्किल तुम्हें पास की है तो मुझे लगता है उसने ये समय पहले ही प्रिडिक्ट कर रखा होगा, और बोलती है मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और बोलती है आज से मैं और अभी से तुम्हारे हवाले हुई। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देता है और बोलता है आपको एक और ड्रॉप मिल चुका है, मुबारक हो मास्टर। और तभी जो फैन है उससे बोलता है ये कोई ड्रॉप नहीं है, ये मैंने बस उसे रेस्क्यू किया है और कुछ भी नहीं। और तभी वो अपनी तलवार को मतलब ब्लेड को स्वॉर्ड को समन करता है और बोलता है अब समय आ चुका है तुम्हें फिनिश करने का। तभी सामने उससे कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम यहाँ से भाग जाओगे, और हंसे लगता है उस पर अटैक करते हुए, हड्डी सिंह है वो और कुछ नहीं। तभी फैन उससे कहता है वो तुम हो जिसे यहाँ से भाग जाना चाहिए था, लेकिन तुम यहाँ से नहीं भागे, अब तुम्हारा मैं हड्डी कबाब बनाऊंगा, और उस पर अटैक करते उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और बोलता है मेरा हाथ मुझे वापस दो तुम इविल क्रिएचर कहीं के मर जाओ, और दोनों की फाइट होने लगती है। लेकिन जो उसकी पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है और फेनेयर कम ही टिक पा रहा होता है उसकी पावर के सामने, क्योंकि उसका एक हाथ काम नहीं कर रहा होता है। तभी ज़िया उसके पीछे आती है और फेनेयर को पकड़ लेती है और उसके पीछे से गले लग जाती है। फेनेयर उससे बोलता है आज मैं तुम्हें बचाऊंगा सिस्टर, और बोलती है फेनेयर ज़िया उससे बोलती है तुम मेरी लाइफ हो, भला मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कैसे नहीं करूं, और अपनी सारी पावर उसे दे देती है और वो अपनी अनलिमिटेड इमॉर्टल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है। तभी हमें दिखाया जाता है फेनेयर का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाता है और उसकी सन डीमन इमॉर्टल स्वॉर्ड बॉडी वापस आ जाती है, जिसके कारण उस हड्डी सिंह के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और वो बोलता है इम्पॉसिबल, भला ये चूजा मुझे किस तरीके से मार सकता है और अचानक से पावरफुल कैसे हो गया। तभी वहाँ पर उसकी तो निपट लेती है। और नेक्स्ट सीन में फेनेयर सेट के पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वहाँ के चीफ होते हैं, वो बोलते हैं फेनेयर को अंदर आने दो, और हमें दिखाया जाता है जो फेनेयर उसका कटा हुआ सर उसके पास लेकर आता है और उसका एक हाथ भी नहीं होता, और फेनेयर उसका सर फेंकते हुए बोलता है मैंने इस चूजे को यहाँ पर मार दिया। तभी चीफ वहाँ के बोलते हैं तुम्हें पता है तुमने कितना भयानक क्राइम कर रखा है, और सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि जो वाइट घोस्ट है वो सबसे कमज़ोर व्यक्ति था उन थ्री घोस्ट में से, और अब जो बाकी के दो हैं वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक और मॉन्स्टर्स हैं, मुझे लगता है अभी भी वहाँ पर जीनियस है डाउजन सेक्ट के, अगर हमारा फेनेयर सेक्ट इस तरीके से वीक बना रहा था वो ज़रूरी हम पर हमला करेंगे फिर से, अब तो हमारा फेनेयर सेक्ट निपट लिया। तभी फेनेयर उससे कहता है बिल्कुल तुमने सही कहा, अब से फेनेयर गया। तभी सब लोग चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे साइड को तुम्हारे कारण इतना ज़्यादा मुसीबत झेलने पड़ रही है, अब तो तुम्हें मरना होगा, भला तुम्हारा सारा विलियम हम क्यों लें, हमें इस फेनेयर को डाउजन सेट को दे देना चाहिए ताकि वो खुद ही सेटल करे अपना मामला, और सभी की सभी उस पर इल्ज़ाम रखने लगते हैं। तभी फेनेयर उससे कहता है जाओ कर लो जो करना है, और बोलता है चलो देखते हैं बाय ऐसे पावरफुल यहाँ पर कौन है। ये सुनते ही सब लोग डर जाते हैं और बोलते हैं ये तो बिल्कुल सच है कि इसने बाय को यहाँ पर मार दिया, ये वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम इसकी पावर को इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, कमज़ोरों को जाने दो और इसकी पावर को कम होने दो, तब हम वापस अटैक करेंगे इस पर और इस समय का फ़ायदा उठाएंगे आगे चलकर, और बोलते हैं शायद हमारे जो चीफ हैं वो ईजिली हैंडल कर सकते हैं इसे। तभी जो चीफ होता है वो बोलता है सभी के सभी लोग शांत हो जाओ, और तभी चीफ उससे बोलते हैं तुम यहाँ से चले जाओ फेनेयर, अब से तुम यहाँ के स्टूडेंट नहीं रहे, और तभी फेनेयर उससे बोलता है मुझे भी यहाँ पर रहने को इच्छा विच्छा नहीं है, ठीक है ना। और सभी लोग बोलते हैं हे चीफ आखिरकार तुम इसे इस तरीके से कैसे जाने दे सकते हो, हम इसे कैप्चर कर लेते हैं मतलब बांध लेते हैं और पकड़ लेते हैं, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी ज़िया वहाँ पर आ जाती है और बोलती है हे फेनेयर को तुम यहाँ से छोड़कर जा रहे हो मुझे। तभी फेनेयर उससे कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकती हो अब, और वर मैं सोचते हैं बोलता है जो सिस्टर है वो चीफ की डॉटर है तो शायद इसको इस बारे में पता नहीं है, और वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और तभी वहाँ से जा ही रहा होता है। तभी ज़िया वहाँ से आती है और बोलती है हे या, और उसका हाथ पकड़ लेती है
तभी जिया उसका हाथ पकड़ती है और स्माइल मारती है, उसे बोलती है, क्या मैं तुमसे वादा नहीं किया था कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी? और तभी फैज से बोलता है, मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में सिंगल था, मैं भी तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ पूरी ज़िंदगी भर इस लाइफ में। तभी जिया उससे पूछती है, सिंगल आखिर इस शब्द का मतलब क्या है? किस तरीके का डीमन और यहाँ पर कोई डबल भी है क्या? ये देखकर उसका मुंह अजीब सा बना लेता है, क्योंकि उसके बारे शब्दों के बारे में तो पता नहीं होता इस दुनिया में। तभी वहाँ के कुछ आते हैं लोग और बोलते हैं कि तुम यहाँ छोड़कर जा रहे हो, और वो एल्डर आ जाता है और बोलता है तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकते। और तभी जो जिया होती है उससे बोलती है, सेकेंड एल्डर यहाँ पर आ चुके हैं, चलो चलते हैं फैन यहाँ से। और तभी सेकेंड एल्डर अपनी इमॉर्टल स्किल का इस्तेमाल करते हैं और अपनी तलवार उसके पीछे छोड़ देते हैं, पर हमें दिखाया जाता है उसकी तलवार उसको चोट पहुंचा देती है जियाओ को, जिसे बचाता है, लेकिन फेरल का हाथ तो होता नहीं है। और तभी फेरल से बोलता है, तुम जल्दी जाओ सीक क्लाउड पर, मैं वहां पर आने कोई रास्ता ढूंढता हूं। और तभी जो एल्डर होते हैं वो अपनी चारों तरफ तलवार घुमाने लगते हैं मैजिक से और बोलते हैं, चीफ ने तुम्हें जाने की परमिशन दी है लेकिन मैंने नहीं, तो इस बात को याद रखना। और उस पर अटैक करता है और बोलता है, तुम एक हाफ डीमन हो। और फेरल उससे बोलता है, तुम सिस्टर तुम यहां से जल्दी चली जाओ सी क्लाउड पर, जो लूएफओ है उसकी स्किल के कारण तो हम लोग यहाँ से निकलने में कामयाब रह सकते हैं। और तभी वहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं, अच्छा ठीक है चलो चलते हैं सी क्लाउड पर। और वो दोनों के दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और वो उस वेल को समन कर लेता है। और तभी जो लूएफओ होती है उससे पूछती है, मास्टर अब हमें कहाँ जाना है? और तभी बोलता है, हमें मोटर डीएल में जाना है। और तभी जो एलर होता है उससे बोलता है, एक यहाँ पर एक सीरियल किलर है और दूसरा यहाँ के चीफ का स्टूडेंट है, हम दोनों को ही यहाँ से भागने नहीं दे सकते। और मन में सोचते हुए बोलता है, ये जरूरी मोटर रियल में भी जा रहे होंगे, यहाँ सिर्फ क्लाउड सी रियल मतलब सी क्लाउड पर यहाँ मोटर रियल में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। और तभी हमें एक जगह का दिखाया जाता है, ब्रेकॉन स्वर्ड टाइफून नाम की जगह पर, जहाँ से रास्ता होता है जाने का। और हमें दिखाया जाता है वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं। तभी जिया उससे पूछती है, यही एक रास्ता है मोटर रियल में जाने का, अगर हम एक बार इस टाइफून को पास कर ले तो हम मोटर रियल में पहुँच जाएंगे। तभी फिफ्थ एल्डर वहाँ पर उनका इंतजार कर रहे होते हैं और आकर उससे बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ पर जा रहे हो? ये देखकर दोनों सरप्राइज होते हैं। और तभी लूएफओ उससे कहता है, मतलब फेनन उससे कहता है, जियाओ जियाओ सिस्टर मेरे पास एनर्जी नहीं बची हुई है, यहाँ पर जैसे ही मौका मिले तुम लूएफओ के साथ यहाँ से निकल लेना। तभी वो बोलती है जियाओ चिल्लाते हुए, मैं भी यहाँ पर तुम्हें छोड़कर अकेले नहीं जाऊँगी, मेरी स्ट्रेंथ के साथ मुझे डर नहीं लगता उस युआन गुआंग से। तभी जो लूएफओ है वो भी यही कहती, मैं भी तुम्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जाने वाली। तभी बोलता है, तुम में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा सकता, तुम डीमन कहीं के, आज मैं तुम सभी को यहाँ से साफ कर दूंगा। और वो अटैक करने लगता है। तभी जो फेनर उसको ऑर्डर देता है, लूएफओ सिस्टर को लेकर यहाँ से निकलो और डीप समंदर में जाकर चले जाओ, और मैं इस गुआन युआन गुआंग को डिस्ट्रॉय करता हूँ, और तुम लोग जल्दी से मोटर रियल में पहुँच जाओ। और तभी जो एल्डर होता है उससे बोलता है, पहले मैं तुम्हें मार दूँ फिर बाद में उनको भी मार दूंगा। और दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी चलो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, और कमेंट करके जरूर बताना, लाल कलर बटन दिख रहा होगा दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।